ये हैं पटना के रहने वाले धर्मा, जो पटना जंक्शन पर कुली का काम करते हैं। खास बात यह है कि भले ही ये कुली का काम करते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा में दो बॉडीगार्ड तैनात हैं, एक पुलिसकर्मी और एक जीआरपी से। दरअसल 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन हुआ। उस दौरान उन्होंने एक ऐसे अपराधी को पकड़वाया था, जिसके बाद पाकिस्तान से उन्हें धमकी मिलने लगी। इसके बाद मदद की गुहार के बाद से उन्हें दो दो सरकारी बॉडीगार्ड प्रदान किए गए। इसके बाद से ये हमेशा से ही दो सुरक्षा कर्मियों के बीच में रहते हैं। 27 अक्टूबर 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे गांधी मैदान में, तो 9:30 बजे की घटना है, शौचालय 10 नंबर पर बम ब्लास्ट हुआ। उसी को इम्तियाज अंसारी को शौचालय में मैं पकड़ा, उसी के संदर्भ में दोनों बॉडीगार्ड हमारा हासिल हुए। जीआरपी का 16 से है और मतलब जिला से अप्रैल से मिला है। हाँ, रात में थोड़ा दिक्कत है कि आवास हम डीएराम जीएम साहब से भी रिसीव कराए हैं कि भाई बॉडीगार्ड है हमारा, लेकिन हथियार रखने का जगह नहीं है, रात में नहीं रहते हैं, लेकिन हम डीएराम जीएम साहब से आग्रह करेंगे कि हमको तुरंत आवास दिया जाए, ताकि हमारा हम भी सुरक्षित रहें, हमारा बॉडीगार्ड भी। ऐसा घर ले जाते हैं तो जाते हैं पहुँचा, पटना के बाहर भी जाते हैं तो लेके जाते हैं दोनों आदमी। दोनों को कब मिला? 23 अप्रैल में। हाई कोर्ट से मतलब 16 में भी हाई कोर्ट से मिला, अप्रैल में जो भी मिला है हाई कोर्ट से आदेश हुआ तो सुरक्षा समिति बोर्ड में पास करके तब मिला है। उनके साथ 6-7 महीने से सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनके साथ हमको लगाया गया। क्या 2013 में प्रधानमंत्री का मतलब प्रोग्राम था, उसमें कुछ ऐसा काम अजूबा किए हैं जिससे सरकार इनको बॉडीगार्ड मुहैया कराया है, और उन्हीं सरकार के द्वारा हम लोग का यहाँ भेजा गया। हम लोग हम जीआरपी से बिलोंग करते हैं, एक जिला से हैं हम लोग दोनों हैं। हाँ, हर हमेशा साथ रहते हैं, बाहर भी जाते हैं। बाहर भी जाते हैं।